दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्रिंटर लेकर के आया हूं जो आप सभी के लिए एक परफेक्ट प्रिंटर है। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, अपने घर के लिए लेना चाह रहे हैं, या फिर अपने स्मॉल या मीडियम बिजनेस के लिए लेना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने ऑफिस के लिए लेना चाह रहे हैं, ये एक परफेक्ट और कंप्लीट स्मार्ट प्रिंटर है। और इसमें आप कलर और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट के साथ साथ फोटोकॉपी भी कर सकते हैं और स्कैनिंग भी कर सकते हैं। और साथ ही ये वाईफाई भी है। और ये है आपका एचपी स्मार्ट टैंक 589 प्रिंटर। ये प्रिंटर मैंने क्यों चुना, प्राइसिंग क्या है, कॉस्टिंग क्या होती है इसके प्रिंटआउट की, सब कुछ और सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। ये 580 सीरीज का 589 मॉडल है जो कि स्मार्ट प्रिंटर है और ये 6000 कलर और 6000 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट के साथ आता है। ये एक वाईफाई प्रिंटर है और यूएसबी के साथ साथ ये एप्पल डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों अनबॉक्सिंग पार्ट शूट करते हुए अचानक तबीयत खराब हो गई तो कुछ दिन हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। अब आ गया हूँ, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा और ये थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, फोकस वीडियो पे करिएगा और हाँ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए जल्दी से इसकी बाकी की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसको सेटअप करके आपको बाकी का वीडियो आगे बताते हैं। और ये टेप इसलिए लगे हुए ताकि ये जहाँ जो पार्ट है वो अपनी जगह फिक्स रहे जब इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तब। तो जल्दी से इन सबको हटा लेते हैं, ये आगे वाला भी हटा लिया, सारे टेप जल्दी से हटा लेते हैं। यहाँ पर ये इसका पेपर ट्रे है जो इस तरह से बेंड हो जाता है, यहाँ पर आपको पेपर लगाने को मिलेगा। ये इसका इनपुट ट्रे है जो 100 पेपर आप इसमें A4 साइज लगा सकते हैं। और यहाँ जो आउटपुट ट्रे है इसमें आप एक बार में 30 पेपर इकट्ठा कर सकते हैं इस ट्रे पे। टैंक्स सारे इसमें एक ही साइड दिए गए, दूसरे साइड कुछ भी नहीं है, केवल HP स्मार्ट टैंक 589 इसका नाम और मॉडल लिखा हुआ है। इसको खोल के दिखाता हूँ। ये इसकी कैप है और ये काफ़ी तगड़ी वाली कैप है, बिल्कुल स्पिल नहीं हो सकती है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अंदर जगह नहीं है, छेद नहीं है, क्योंकि इसमें एक ऐसा सिस्टम दिया गया इसकी जो इंक है उसे आप नॉर्मल बॉटल से फिल नहीं कर सकते, स्पेशल बॉटल है, उसको जैसे आप इसमें पुश करेंगे अपने आप ये रिफिल हो जाएगा। तो बॉटल और यहाँ टैंक में दोनों में कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और एक अच्छी चीज़ इसमें यह भी है कि जैसा मैंने कैनन के अपने प्रिंटर में आपको दिखाया था कि अलग से हेड लगा सकते हैं, इसमें भी आप अलग से हेड लगा सकते हैं जो कि आपको ब्रदर और एप्सन में देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ सिस्टम लगा हुआ था जिससे आपका ये जो हेड था प्रोटेक्ट हो रहा था, हेड का जो केस है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर ये पर्पल दिख रहा है यहाँ पर आपको कलर कार्टेज लगानी है और यहाँ पर ब्लैक। तो जल्दी से कार्टेज वाला सेटअप भी कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको प्रिंटर के ओवरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे जो इसमें खास चीज़ है देखने वाली वो है इसका ये पैनल। यहाँ पर आपको लगभग 1 इंच का LED पैनल देखने को मिल जाता है, ये स्क्रीन LED। और यहाँ जितनी भी बटन्स हैं ये सारी टच नहीं है, जो फिजिकली पुश कर सकते हैं आप इसको, पुश बटन है। और ये सारी स्मार्ट बटन्स हैं, यही इसकी स्पेशलिटी है इस प्रिंटर की कि सारी बटन्स ये स्मार्ट हैं। आप जो कुछ भी करना चाहेंगे उसके बारे में ये बताएगा कि अब आपको ये बटन प्रेस करनी है, आपको ये बटन प्रेस करनी है, सारा कुछ बताएगा। और ये सब कुछ अभी हम लोग इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। हमें जो सबसे ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ दिखा था इसमें क्या मिलता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 कलर के लिए और एक ब्लैक के लिए बॉटल मिल रही है, साथ में आपको डेटा केबल मिल जाएगी, USB केबल जिसे कहते हैं। ये प्रिंटर वाईफाई प्रिंटर है, वाईफाई डायरेक्ट के साथ भी आता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट अपने लैपटॉप कंप्यूटर से भी प्रिंट दे सकते हैं इस केबल की मदद से। साथ में आपको यहाँ पर एक पावर केबल मिल जाती है जिसे आप प्रिंटर के बैक साइड कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आपकी मेन कार्ट्रिजेस रखी हुई है, ट्राई कलर और ये है ब्लैक के लिए, ये दोनों ही कार्ट्रिज अभी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। बात करें अगर इन बॉटल्स की, तो ये मैंने अभी बताया आपको कि स्पेशल टाइप की बॉटल्स हैं जो यहाँ पर जैसे आप इससे कनेक्ट करेंगे अपने आप इंक इसकी प्रिंटर पर आ जाएगी। दोस्तों इस प्रिंटर 580 सीरीज के काफ़ी सारे मॉडल मिल जाएंगे आपको, 580 मिल जाएगा, 581 मिल जाएगा, 585 मिल जाएगा, 589 मिल जाएगा, पर ये सभी एक ही तरह के हैं। अब इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इनको अलग अलग बंडल ऑफर्स के साथ बेचा जा रहा है। जैसे मैंने जो ये 589 वाला मंगाया है इसमें मुझे 6000 ब्लैक और 6000 कलर प्रिंटआउट्स मिलने वाले हैं क्योंकि मेरे पास 3 कलर और 1 ब्लैक इंक की बॉटल है।
कुछ प्रिंटर्स में आप कुछ मॉडल्स में आपको 12,000 ब्लैक मिलेंगे क्योंकि उनमें दो आपको बॉटल दी जा रही हैं, और कुछ में आपको 18,000 ब्लैक मिलेंगे पर कलर की क्वांटिटी 6,000 ही रहेगी क्योंकि उसमें तीन ब्लैक बॉटल्स दी जा रही हैं। तो कंफ्यूज मत होएगा, आप कोई भी एक ले सकते हैं, सारे फीचर्स सारे फंक्शन सब कुछ सेम है, ये प्रिंटर ही सेम है, बस उसमें ब्लैक की क्वांटिटी ब्लैक बॉटल की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है जिस वजह से उसमें आपको ज़्यादा प्रिंट आउट निकलेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि एक ही बॉटल से आपको 12,000-18,000 मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है, उसके पैसे भी आपसे ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो ये वाला मॉडल आप मंगा सकते हैं, इसमें आपको एक बॉटल मिल रही है, और हाँ ये तीन बॉटल्स जो कलर हैं ये छोटी बॉटल्स आती हैं तो इनमें आपको 6,000 मिल जाएंगे। अब अकेली ब्लैक बॉटल 6,000 कैसे देगी, उसके लिए इस बॉटल को भी बड़ा करना पड़ा 135 ml का, तो ये पूरी बॉटल आपको 6,000 प्रिंट आउट दे देगी, ऐसा कंपनी वादा करती है। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि इस प्रिंटर को अलग अलग ऑफर से निकाला जा रहा है, ऑफर अपडेट भी हो रहे हैं, जैसे जब ये नया आया था तब इसमें 2 साल की वारंटी मिल रही थी, वो लॉन्च ऑफर था, और फिलहाल इसके साथ एक स्पेशल चीज़ मिल रही है, एक 5 वोल्ट की घड़ी आपको फ्री मिल रही है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको एक रिडेम्पशन का फॉर्म भरना पड़ेगा, मैंने भर दिया है, अब देखो कब तक वो घड़ी आती है, जब आएगी तो उसके बारे में भी आपको वीडियो बना करके ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इस समय फिलहाल ये 1 साल की वारंटी के साथ और एक घड़ी के ऑफर के साथ आ रहा है, हालांकि कंपनी कह रही है वो 9,000 के, लेकिन नहीं 2500 से 2600 रुपए इसकी कीमत है, तो फिलहाल इसमें ये ऑफर चल रहा है। काफ़ी अच्छे से पैकिंग की गई है ताकि रास्ते में ट्रांसपोर्ट करते समय कहीं भी इंक स्पिल ना कर जाए, तो इस पैकिंग को हटा लेते हैं। स्पिल का तो सवाल ही नहीं होता क्योंकि ये बॉटल्स मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि इंक इससे स्पिल हो ही नहीं सकती। ये देखिए ये पोर्शन जा कर के इसमें फिक्स हो जाने वाला है, और जिससे कि आपकी इंक जो है बिल्कुल भी स्पिल होने वाली है ही नहीं। अब ये देखिए ये 50 ml की तीन बॉटल्स हैं, यानी 150 ml, और ये अकेली ब्लैक वाली 135 ml की है। आपको ये पोर्शन सीधे यहाँ पर बस सेट करके ऐसे दबा देना है, और ये देखिए इंक फिल होना स्टार्ट हो गई, 10 से 5 सेकंड में ये पूरी फिल हो जाएगी और बॉटल आपकी खाली हो जाएगी। ये देखिए गट गट करके पूरा प्रिंटर इंक पी गया और एक बूंद इंक आपकी यहाँ पर स्पिल नहीं हुई। ये काफ़ी बच जाने वाली है। आपको यहाँ पर पावर केबल कनेक्ट कर देनी है, और ऊपर आप यहाँ जहाँ देख रहे हैं इसमें आप USB केबल लगा सकते हैं। जैसे आप पावर केबल कनेक्ट कर देंगे सामने यहाँ पर की पावर बटन ब्लिंक होती दिखाई दे रही है, कार्टिजेस के जो चैम्बर हैं उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, और अब आपको यहाँ पर वाईफाई का सिंबल देखने को मिल रहा है, ये हमें वाईफाई सेटअप करने के लिए बोल रहा है, और साथ में ऊपर आप यहाँ LED पैनल में भी वाईफाई का सिंबल देख सकते हैं। यही है स्मार्ट गाइडेड बटन, और यहाँ पर देखिए अब कुछ मैसेज दे रहा है, अब यहाँ पर फ़ोन बना हुआ है और ये हमें बता रहा है कि आप फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करिए। ये प्रोसेस करने के लिए आपको अपने फ़ोन में 2 ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी लिखा है मोबाइल गाइडेड सिम, 2 तरह सेटअप कर सकते हैं, तो मोबाइल से कर सकते हैं, डायरेक्ट लैपटॉप से ड्राइवर इंस्टॉल करके कर सकते हैं, तो हम लोग मोबाइल वाला कर रहे हैं। देखिए कौन कौन से वो 2 ऐप हैं जो अभी आपको डाउनलोड करने हैं, एक आपको करना है HP स्मार्ट ऐप ये वाला, और दूसरा HP स्मार्ट प्लगइन ऐप, दोनों ऐप आपको डाउनलोड कर लेने, और अब ये हमसे सारे ऑप्शंस आगे के करने के लिए बोलेगा, वो हमें फॉलो करते जाना है। एक्सेप्ट ऑल, सेट अप अ न्यू प्रिंटर, वाईफाई, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही साइड वाईफाई का सिंबल ब्लिंक कर रहा है, और हमारा प्रिंटर जो है वो कनेक्ट हो चुका है, और चूंकि इसमें इंटरनेट नहीं है तो बता रहा है कि नॉट इंटरनेट कनेक्टेड। अब जल्दी से प्रिंटर की कार्टेजेस को सेटअप कर लेते हैं, और उसके बाद प्रिंटर को के पास। बस आपको इसको प्रेस कर देना है, और बस इसको आपको यहाँ से बंद कर देना है। प्रिंटर सेटअप होने के बाद देखिए इसने यहाँ सारे ऑप्शंस हाईलाइट कर दिए, अब जैसे ही आप इसके स्कैनर को ऑन करेंगे और कोई भी एक फोटोकॉपी करने के लिए डॉक्यूमेंट यहाँ रखेंगे, आपके पास ये ऑप्शंस ब्लिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब जैसे मुझे कलर करनी है या ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी करनी है, आईडी कार्ड फोटोकॉपी का अलग से फीचर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं एक कलर कॉपी कर देता हूँ, इसको दबा देता हूँ, और देखिए यहाँ पर ऑप्शंस आ गए कि एक कॉपी आप कर रहे हैं, प्रिंटर ने फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया। पेपर ले लिया, और ये देखिए फोटोकॉपी होकर के आ गई, सही एंगल पर रख लेते हैं इसको, ये देखिए दोनों में कितनी अच्छी क्वालिटी है, ये तो ओरिजिनल है ही, अब ये अगर पेपर भी कुछ इस तरह का होता तो आपको इंक
बिल्कुल सेम देखने को मिलने वाली है। मैंने आपसे कहा था ये फुली स्मार्ट प्रिंटर है, तो क्यों है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर हम बात करें आईडी कार्ड फोटोकॉपी की, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन, सारे फंक्शन स्मार्टली काम करते हैं, लेकिन आईडी कार्ड फोटोकॉपी में आपको एक बार में ही ये जो कार्ड है उसके दोनों साइड की फोटोकॉपी पेज में निकाल के देने वाला है आपको। आपको बार बार ये पेज निकाल के इसमें पलटना नहीं पड़ेगा। और ये कैसे आपको गाइड करते हुए स्मार्टली इसकी फोटोकॉपी करेगा वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर सारे ऑप्शन ब्लिंक कर रहे हैं। अब मैं इसको लीड को उठा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इसी को मोड़ के एक आईडी कार्ड में कन्वर्ट कर लिया। मैं यहाँ पर रख देता हूँ कॉर्नर पे और अभी इसको बंद कर देते हैं। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि आपको करना क्या है, तो मुझे आईडी कार्ड की फोटोकॉपी करनी है, तो मैंने आईडी कार्ड वाला बटन दबा दिया। अब ये पूछ रहा है कलर करनी है ब्लैक एंड व्हाइट, तो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट को दबा दिया। अब देखिए एक फोटोकॉपी के लिए हम बोल रहे हैं, तो पहले ये पार्ट वन यानी कि एक साइड उसका स्कैन कर रहा है, अभी पेज डालने के लिए नहीं बोल रहा है। पेज भी हम यहाँ से डाल देते हैं, ठीक है। अभी इसने एक साइड स्कैन कर लिया, अब कह रहा है कि दूसरे साइड स्कैन करिए। अभी प्रिंट आउट नहीं निकाला है, इसको आपको ओपन करना है और बस इसको पलट देना है और बंद कर देना है। फिर बोल रहा है स्कैन करिए, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए इसने एक बार में दोनों साइड स्कैन कर लिया, दूसरा साइड स्कैन हो रहा है और एक साथ ये इस पेपर पे फोटोकॉपी निकाल देगा। आपको बार बार पेपर को निकाल के डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अलग हमें दे दिए, ये देखिए। तो ये है स्मार्ट प्रिंटर की क्वालिटी कि किस तरह से ये स्मार्टली आपको गाइड कर रहा है और साथ में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, बस आप उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और आप प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। प्रिंटिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो 10 पैसे आपको ब्लैक प्रिंटआउट की कॉस्ट पड़ने वाली है और 20 पैसे के आसपास आपको कलर प्रिंटआउट की कॉस्ट पड़ने वाली है। अब मैं आपको इसके और एडवांस फीचर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि एचपी स्मार्ट ऐप में जाने के बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमको सब कुछ दिखा रहा है, दिखा रहा है कि हमारी इंक जो है वो पूरी तरह से फिल है। यहाँ पर HP Smart 180 जो भी आपका ये प्रिंटर मॉडल है इसमें लोड पेपर इन प्रिंटर, प्रिंटर में पेपर नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर पेपर नहीं है। तो ये सारे एडवांस फीचर हैं, इंक नहीं है तो भी शो करेगा, पेपर नहीं है तो भी शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें गाइड करता है ताकि हमें कोई स्टेप हम मिस ना कर दें या उस वजह से परेशान ना हो जाए। तो पूरी तरह से स्मार्ट प्रिंटर है। तो चलिए यहाँ पर एक ग्लॉसी पेपर हम लोग यहाँ पर फिट कर देते हैं और अब आपको इसमें एक फोटो निकाल करके दिखाते हैं डायरेक्ट फोन से। देखिए मैंने यहाँ से प्रिंट फोटो पे क्लिक कर दिया और फोटो सेलेक्ट कर ली। ये बॉर्डरलेस प्रिंटिंग को भी सपोर्ट करता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी सेटिंग। यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको, किस तरह का पेपर चूज करना है वो सब आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। मोर में आने के बाद देखिए और यहाँ पर बॉर्डरलेस का ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, ये सिलेक्ट हमने किया हुआ है ताकि बॉर्डरलेस प्रिंटिंग निकल आए। और बस आपको यहाँ पर प्रिंट में प्रेस कर देना है और देखिए यहाँ पर HP स्मार्ट टैग रनिंग लिख करके आ रहा है सर्विसेज। और अब यहाँ पर भी हमें कुछ मैसेज देखने को मिलेगा, ये देखिए आ गया और अब प्रिंटर ने पेपर को डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए प्रिंटर ने पेपर ले लिया है और प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों प्रिंटर प्रिंटिंग कर रहा है वायरलेसली, मोबाइल से डायरेक्ट प्रिंटिंग हो रही है और ये प्रिंटर फोटोकॉपी स्कैन और प्रिंटिंग के लिए परफेक्ट है। तो आप इसको अपने बिजनेस के लिए भी ले सकते हैं, स्मॉल या मीडियम बिजनेस के लिए आप बड़े अच्छे से इसमें अर्निंग कर सकते हैं। घर के लिए ले सकते हैं क्योंकि स्मार्ट गार्डेड बटन है तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। साथ ही अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करके आप इस प्रिंटर को ले सकते हैं और प्रिंटिंग कॉस्ट आपको काफ़ी सस्ती मिलने वाली है। वाईफाई के थ्रू आप प्रिंटिंग कर सकते हैं, आपको एक कंप्यूटर की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर आपने प्रिंटर ले लिया तो आपको कंप्यूटर या लैपटॉप लेना पड़ेगा। मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं, स्कैनिंग भी मोबाइल से कर सकते हैं और प्रिंटिंग तो मैं आपको मोबाइल से करके दिखा ही रहा हूँ। अभी मैं वीडियो में आगे आपको स्कैन भी मोबाइल से करके दिखाने वाला हूं। तो एक कंप्लीट प्रिंटर है और कंप्लीट पैकेज है आपके लिए अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो में चलते चलते ऑनलाइन मोबाइल से डायरेक्ट स्कैनिंग भी देखते चलिए। और हाँ, मैंने इस प्रिंटर का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप और चेकअप करना चाह रहे हैं, उसको डिटेल पता करना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो उस लिंक पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये है प्रिंटिंग जो कि आप देख सकते हैं, एकदम नेचुरल कलर जो जैसा आपने प्रिंट दिया था वैसे ही प्रिंट होकर के आया है। तो क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, बेस्ट क्वालिटी प्रिंटिंग आपको सस्ते में मिलने वाली है। दोस्तों बात करें स्कैनिंग की, तो यहाँ पर प्रिंटर में एक हम डॉक्यूमेंट रख देते हैं स्कैन होने के लिए, इसे बंद कर दीजिए। ये रहा आपका फोन और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलने वाला है प्रिंटर स्कैन का, इस पर क्लिक कर दीजिए और बस इस बटन पे क्लिक कर देना है। अब बस स्कैन पे क्लिक कर दीजिए और स्कैनिंग आपकी स्टार्ट हो गई।
ये देखिए दोस्तों आपकी स्कैनिंग हो गई, क्रॉप भी हो गई, पूरे पेज में हमने नहीं दिया था स्कैनर में, तो जितना बड़ा डॉक्यूमेंट है वो आ गया। नेक्स्ट करिए और बस ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी यहाँ पर सेव पर क्लिक करने से। ये देखिए दोस्तों जल्दी ही मैं इसका एक डिटेल्ड रिव्यू लेकर के आने वाला हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें और कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे इससे अर्निंग कर सकते हैं, सब कुछ उस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ थोड़ा सा प्रे करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर ऑनलाइन जुगाड़ पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।